मंगल कृष्ण प्रणाम
श्याम गोपाल मनोहर मुरलीधर कृष्ण गोपाल गाय मन भी तेरा है तन भी तेरा है मन भी तेरा है मन भी तेरा है तन भी तेरा है मन भी तन भी तेरा है दया करो श्याम प्रभु सब कुछ तेरा है दया करो श्याम सब कुछ तेरा श्याम गोपाल मनोहर मुरलीधर कृष्ण गोपाल मनोहर कृष्ण गोपाल पल पल में छिन छिन में पल 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 में छिन छिन में पल मन मंदिर में ऊर्जा करूंगी मन मेरी आवाज सुनो धनी प्रणाम करती हूँ आवाज सुनो धनी प्रणाम गोपाल श्याम गोपाल मनोहर मुरलीधर कृष्ण गोपाल मनोहर मुरलीधर हरराज गोपाल श्याम गोपाल मनोहर मुरलीधर कृष्ण गोपाल मनोहर मुरलीधर कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निदानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की
सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की। ब्रजभूषण या समुद्र की रश्मि सुउदधि समान, बूढ़त उचरत ताबि से पावत अंतन ज्ञान, पावत अंतन ज्ञान। धर्म काम लीनो धनी माया दीनी त्यागी, कहो शोभित वर्ण के चरण क्षेत्र को लागी। आए चली गुजरात ते दीप बंदर ही आप, साथी श्री जय राम त्यों कीन्हो तहां मिलाप। उठे तुरत जेहि भांति सो आए प्राण शरीर, दे मस्तक चरणन लग्यो प्रेम पड़्यो बोधीर। सफल जन्म मेरो करियो कितते श्री महराज, राजधनी को छाड़ी के कित आए के ही काज। उत्तर तहां दयो धनी तुम पूरे भवमाई, अध उरद माया विषे रही खबरी कछु नाही। उपजी मेरे चित्त विषे जगते काड़ो साथ, दय धनी ने साथ के मेरे कर में हाथ। आए चली गुजरात ते प्रणाम, सुंदर साजे प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य महाराज छत्रसाल हुए, उनके वे शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज। हमारी दो परंपरा चलती है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, एक श्री देवचंद्र जी से जागने की परंपरा चलते चलते हमारे गुरु महाराज तक, और एक सदगुरु देवचंद्र जी से परमहंस परंपरा चलते हुए वर्तमान तक। जैसे परमहंस गोपाल मणि जी महाराज हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जन्म से 100 साल पहले, परमहंस गोपाल मणि जी महाराज है ना, देवचंद्र जी महाराज के जन्म से 100 साल पहले वो हो गए। और उनकी जागनी चलती है तो परमहंस गोपाल मणि जी महाराज के बहुत सारे शिष्य होते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में फूलपुर भैया करके जगह है, वहां उनका मुख्य आश्रम है। वैसे पन्ना जी में भी पुरानी साला के नाम से जानते हैं उनका आश्रम। तो परमहंस गोपाल मणि जी महाराज के शिष्य बड़े सारे शिष्यों में से एक शिष्य हुए साधु बाबा जी महाराज है ना, साधु बाबा जी महाराज करके हुए। साधु बाबा जी महाराज के शिष्य का नाम हुआ कामता दासी महाराज, कांता ने कामता, कामता दासी महाराज। और कांता दासी महाराज के शिष्य हुए नारायण दासी महाराज। कहां पे हुए नारायण दासी महाराज, सोनगिर पे है ना। और नारायण दासी महाराज के शिष्य हुए परमहंस राम रतन दास महाराज। और राम रतन दास महाराज के शिष्यों के द्वारा जिनको तारतम्य मिल रहा है, एक ये परंपरा बनी हुई है। ये परमहंसी परंपरा है, परमहंसी परंपरा, क्योंकि जो परमहंस गोपाल मणि महाराज थे वो 302 वर्ष तक धरती में रहे। 302, देखिए कितने लंबे समय तक धरती में रहे, 302 साल तक। 302 साल तक धरती में रहने के बाद अचानक उनका मन हुआ अब मुझे संसार छोड़ देना चाहिए, उन्होंने जीवित समाधि ले लिया, गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और शरीर को त्याग दिया। ये परमहंसी परंपरा चली है, गोपाल मणि महाराज से प्रारंभ हुआ। और ये गोपाल मणि महाराज इतने अद्भुत संत थे, इतने अद्भुत संत थे। परमहंस गोपाल मणि महाराज कभी भंवरा बन जाते थे है ना, कभी चिड़िया बन जाते थे, जो मर्जी करे रूप धारण कर लेते थे, फिर मनुष्य बन जाते थे। तो जहां पे कोई नहीं जा सकता था वह परमहंस गोपाल मणि महाराज चले जाते थे, क्योंकि उनका शरीर सुरता निकाल करके वहां पहुंच जाते थे और सारा काम करके वापस लौट करके आते थे।
ये जो जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप से आग चारों ओर लवण समुद्र है, नमक का समुद्र है, वो लांग करके लक्षद्वीप चले गए हो। ये नमक का समुद्र लांग करके कोई जा नहीं सकता है, वो चले गए, उनकी सुरता वहां पहुंच गई, उनकी जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके वहां बहुत साल तक रहे, फिर वापस इधर ही आ गए भारतवर्ष में जम्बू द्वीप में। कैसे कैसे सिद्ध महापुरुष हुए प्रणामी समाज में, देखिए ये कोई सामान्य परंपरा तो है ही नहीं, ये सामान्य धर्म है ही नहीं, सामान्य सिद्धांत है ही नहीं। तो उन्हीं परमहंस महाराज के शिष्य का नाम साधु बाबा जी महाराज हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध। अभी कुछ 5-6 महीने पहले मैंने साधु बाबा जी महाराज के आश्रम में मैं 7 दिन भागवत करके आया, बड़े आनंद से 7 दिन भागवत कथा सुना के आया। उनके शिष्य कामता दास महाराज, उनके शिष्य नारायण दास महाराज, उनके शिष्य परमहंस ये महाराज जी हुए राम रत्नास महाराज, और हमारी परंपरा गुरुजी मंगलदास जी से चली है। तो गुरुजी मंगलदास जी के गुरु का नाम पीताम्बरदास महाराज, ये पीताम्बरदास महाराज आसाम में उनका आश्रम है, आज वहां आश्रम बना हुआ है, वहीं वो विराजते थे। और परमहंस ये पीताम्बरदास महाराज से पहले सूरत में गद्दी की परंपरा चली, वो प्राणनाथ जी की गद्दी, प्राणनाथ जी की गद्दी सूरत में, उसी सूरत की गद्दी में कौन बैठे, पीताम्बरदास महाराज जी बैठे, और पीताम्बरदास महाराज जी ने गुरुजी मंगलदास जी को तारतम दिया, और गुरुजी मंगलदास जी ने हमें दिया, हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रणामी समाज की बड़ी सुंदर परंपरा है, हमारी सबकी परंपरा कहीं ना कहीं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से जुड़ी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा ज्ञान का प्रचार हुआ, वही प्रचार होते 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 आज यहां भी आ गया, इस जगह में भी आ गया। देखो यहां भी ज्ञान का प्रचार हो रहा है, पारतम का प्रचार हो रहा है, भक्ति का प्रचार हो रहा है, प्रेम मैत्री करुणा का संबंध का प्रचार हो रहा है। प्रणामी समाज में ये दयालुता का धर्म है, हमारे यहां पे मार काट हिंसा नहीं होती है। लहसुन प्याज तक भी अगर ना खा सको तो बहुत अच्छा है, खाएं तो दोष नहीं है, वैसे लहसुन प्याज खाने में दोष नहीं माना गया है, लेकिन ना खाओ तो बहुत अच्छा है, खाओ तो आपकी मर्जी है ना। तो कहने का मतलब है शुद्ध धर्म है, और हमारे में कोई आडंबर नहीं है। देखिए राजी श्यामा जी का स्वरूप हमने पधराया है, ग्रंथ पधराया है, 2 ग्रंथ पधराए हैं, मोर मुकुट बांसुरी धराया है, हमारे यहाँ पे कोई आडंबर नहीं, कान चीरने की कोई जरूरत नहीं है, और गुरु महाराज के पीछे पीछे घूमने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया अपने घर में बैठ करके उसका जप करो तो भी फल मिलने वाला है, बिस्तर में लेट करके करो, बैठ करके करो, है ना, जैसे मर्जी करो, तारतम मंत्र का जप करो, निज नाम का जप करो, राज्य के साथ जुड़े रहो, परमात्मा के साथ जुड़े रहो, इतना अच्छा सरल धर्म है। जिसको सरल धर्म कहते हैं इसमें कोई पाखंडवाद नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, मार काट हिंसा नहीं है, जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा जाति कोई छोटा जाति नहीं है, हम सब एक ही जाति हैं। हमारी जाति का नाम क्या है, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ हैं। अब मैंने जैसे सुंदर साथ का जयकारा लगाया तो ब्राह्मण का भी जयकारा लग गया, क्षत्रिय का भी जयकारा लग गया, वैश्य का भी जयकारा लग गया, शूद्र का भी जयकारा लग गया, सबका जयकारा लग गया, कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं, राजी महाराज की एक अंगना है। और यही ज्ञान का प्रचार महामती श्री प्राणनाथ जी करते हैं, यही सारी बात श्री जी प्रचार के माध्यम से करते हुए जाते हैं। तो क्या हुआ, गुजरात यानी अहमदाबाद में श्री प्राणनाथ जी को जेल में डाल दिया गया। वहां के जो उस समय जो आया था कुतुब खान जो भी था उसने जेल में डाला, और फांसी की सजा मुकर्रर हो गई, फलाने दिन फांसी देना है ये निश्चित किया गया, या तो इतना लाख रुपया हमारा भरो
या तो जो तुमने बंधक में जो बंदा रखा है उसकी फांसी की फांसी होगी। तो उसी समय कांजी भाई कहां के रहने वाले हैं? जूनागढ़ के। कांजी भाई को इस बात का पता चला तो कांजी भाई पहुंच गए अहमदाबाद। अहमदाबाद जाकर के उन्होंने साड़ी पहन लिया, इतना लंबा घूंघट कर लिया और एक टोकरी में कुछ फल वगैरह मिठाई वगैरह डाल लिया और साड़ी पहन करके अहमदाबाद के जेल के दरवाजे में पहुंचे। जेल के दरवाजे में पहुंच करके उन्होंने जेलर को, जो भी वहां पे द्वारपाल था, उसको कहा अंदर मेरे पतिदेव बैठे हैं, उनसे मुझे मिलना है, क्योंकि साड़ी यहां तक कर रखी है। पहले करते ही थे तो ऐसे उठा के देखने की परंपरा नहीं थी, तो अंदर मेरे पतिदेव बैठे हैं, उनसे मुझे मिलने जाना है। तो उसने पूछा, जेलर जो भी था उसने पूछा, क्या करोगे उनसे मिलकर के? तो परमात्मा की कृपा से हमारे घर बेटा, सुंदर बेटा प्राप्त हुआ है, हमारे घर संतान हुई है और ये संतान होने की खुशी में ये बधाई उनको देना चाहती हूं, ऐसा बोला कांजी भाई ने। जब ये बात कही तो जेलर ने कहा ठीक है, फटाफट जाओ, जल्दी लौट के आ जाना, बधाई देकर के लौट के आ ही जाना। तो कांजी भाई अंदर चले गए, श्री प्राणनाथ जी कैद में थे और जाकर के फटाफट अपने सारे जो वस्त्र हैं, स्त्री के वस्त्र को उतारा और प्राणनाथ जी को कहा, गुरु महाराज आप ये साड़ी पहन लीजिए। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगा। नहीं, आपको ये पहनना पड़ेगा। आप हाथ सिर में ला के रखा, मेरी कसम, सुंदर साथ की कसम, इतने सारे हजारों सुंदर साथ आपके लिए तड़प रहे हैं और आप यहां से निकलना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं होगा मुझे भी, आप मेरी बात मान करके ये साड़ी पहन लीजिए, जैसा मैं बाहर से आया हूं वैसे ही बन करके आप यहां से जाइए, साड़ी पहन लीजिए, घूंघट लंबा कर लीजिए, टोकरी, खाली टोकरी सिर में उठा लीजिए और यहां से आप चले जाएं। तो कांजी भाई की बात को मान करके श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया? वैसा ही किया जैसा कांजी भाई ने कहा। और श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद जेल से निकल गए, निकल करके टोकरी ओकरी फेंक दी, साड़ी उतार करके फेंक दी और श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, आज तो मुझे स्त्री का रूप लेना पड़ गया, पछे तो गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करे, माया के साथ मैंने 3 बार युद्ध किया। पहला युद्ध कहां किया? गुरु महाराज के साथ बोलचाल बंद हो गया। दूसरा युद्ध अपने घर को, पत्नी को त्यागना। तीसरा युद्ध स्वयं स्त्री बन करके यहां पे आना। अब मुझे माया का काम नहीं करना है, सब कुछ माया का काम छोड़ दिया, ना मुझे नौकरी चाकरी करनी है, ना मुझे धन कमाना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ परित्याग करके, सब कुछ वहीं त्याग करके श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद से सीधा चले गए दीप बंदर। दीप बंदर प्रस्थान कर गए, जिसको पहले ड्यू बोलते थे, दीप बोलते थे, ड्यू भी बोला जाता है आजकल, वो वहां चले गए समंदर के किनारे, छोटा सा एक टापू है, वहां श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए। इधर समय मुकर्रर किया गया था फांसी देने का, वो समय निश्चित हुआ। अंदर जाकर के जेलर ने देखा, जहां पे जिस व्यक्ति को बैठाया था उसकी जगह कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। उसको बड़ा अचंभा लगा, उसने सोचा अरे यहां तो पहले और कोई था, अब कोई और कैसे आ गया यहां पे? उसने कहा मैं तो वही हूं, आप 1 महीने बाद आएंगे तो मेरे बदले और कोई मिलेगा, यार और कोई मिलेगा। जेलर को लगा कि वो जो जिनको हमने यहां बंद करके रखा है वो कोई फकीर है, चमत्कारी साधु है, अगर हमने तुम्हें यहां पे बंद करके रखा तो हमारे जेल का नुकसान होगा या मुझे पाप लगेगा। उसके दिल में भावना जगी और कांजी भाई को भी जेल से मुक्त कर दिया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। उनको भी मुक्त कर दिया, श्री प्राणनाथ जी की कृपा हुई, कांजी भाई को भी सजा नहीं हुई। और कांजी भाई बाद में बार प्राणनाथ जी से मिलने जाते हैं, गुरु महाराज आप तो मुक्त हुए से हुए, आपने मुझे भी मुक्त कर दिया,
जो फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी वो टल गई। देखिए जहां पे परमात्मा की कृपा होती है वहां सारी उपाय भी आ जाते हैं और व्यक्ति बंधन से मुक्त भी हो जाता है। हमारी श्रद्धा इतनी अटूट हो जाए, इतनी निष्ठा हो जाए, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए कहां पे, दीप बंदर, दीव दीप बंदर जाकर के वहां पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शिष्य थे जिनका नाम था जयराम भाई। वो कंसारा जाति के थे, बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन बहुत लंबा कारोबार था उनका, बहुत अमीर व्यक्ति थे। तो श्री प्राणनाथ जी ने जाकर के समझाया, हे जयराम जी, कबलों का सा कूटोगे कबलों हथौड़ा एरन, कबलग हथौड़ा लेकर के बर्तन बनाते रहोगे, कितने दिन बर्तन और बनाओगे, सिर पर मौत डोल रही है, मरने का समय आ गया है और आप काम में लगे हैं, दिन रात काम करना काम करना काम करना, कितना काम करोगे, सिर पर कयामत आ गई है, मौत आ गई है। देखिए जयराम भाई, आप याद करो, जब हम परम धाम में थे परम धाम को याद करो, परम धाम में कैसे परमात्मा से खेल मांगा, फिर ब्रजमंडल में हम लोग आए, वहां पे हमारे श्री कृष्ण हमारे राजी महाराज बाल रूप में आए और हमें कितना आनंद दिया, फिर रास में हम कैसे गए, उन बातों को याद करो, रास में गए, रास में कैसा आनंद लिया, और आपको याद है रास में रास खेले थे, खेलते हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए, हम उनको चारों ओर ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिले, तो हमने उन्हीं की लीला करना शुरू कर दिया, हमारे बीच में कैसे श्री कृष्ण प्रकट हो गए, याद है आपको, ऐसी बातें याद दिला रहे। और जब रास पूरा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जल में स्नान करने के लिए गए, आणी हारे झील रंग सुहावना, जल में स्नान करने के लिए गए, स्नान करके श्री कृष्ण बाहर निकले तो श्री कृष्ण को बैठने के लिए हम लोगों ने आसन नहीं दिया। तो आपको याद है जो वस्त्र हम लोगों ने स्नान करते समय उतार के रखा था वो ढेर बनाता, उसी के ऊपर श्री कृष्ण बैठ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, एक एक बात को याद करो, हमारा शरीर यहां का नहीं है, शरीर यहां का है, आत्मा यहां की नहीं है, हमारी सुरता तो परम धाम की है, ये तो हमने पांच तत्वों का शरीर धारण कर रखा है, इस शरीर से हमारा प्रेम हो गया है, मोह हो गया है, एक कांटे चुभे दुख पाइए एक क्यों सहसी जममार, एक छोटा सा कांटा चुभता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन जब पाप करेंगे यमराज का चाबुक पड़ेगा तो उस समय क्या हमें दर्द नहीं होगा, अवश्य दर्द होगा, इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने खूब समझाया। और देखो कितने दिन तक यहां पर सूखे हुए हड्डी को चूसते रहोगे, ऐसा बोला प्राणनाथ जी ने, चचोलत ठौर मुर्दार, ये संसार में जो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक कुत्ता होता ना गलियों में घूमने वाला कुत्ता, एक मुंह में हड्डी का टुकड़ा लेकर के वो भागता है, दूसरे कुत्ते मेरे से हड्डी का टुकड़ा छीन न ले, है ना, भागता सारे कुत्तों से बचते बचते अकेले जाकर के आगे के दोनों पंजों से उस हड्डी को चूसना शुरू करता है। लेकिन हड्डी में से रस कहां से आए, वो तो हड्डी है, लकड़ी का टुकड़ा जैसा ही, लेकिन उसको चूसते उस हड्डी में जो नोक बने हैं ना, तीखे तीखे धार जैसे, उस हड्डी की वजह से उसके मुंह में जगह जगह छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाता है, जब घाव बन जाता है और अपने ही मुंह से निकलने वाले खून को चूस करके प्रसन्न होता है, अब हड्डी से रस आने लग गया। श्री प्राणनाथ जी ने कहा संसार के लोग भी यही तो करते हैं,
भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, धन कमाओ, मकान बनाओ, ये करो वो करो, करते 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 घर बस गया, परिवार बस गया, बेटा हो गया, पोता हो गया, पोती हो गई, और उन्हीं के बीच में रह करके उन बच्चों के दुर्गंधी को ही सुगंधी मान के बैठ जाता है। उन्हीं बच्चों के ताना ताना मारते हैं ना, ताना सुन सुन करके वो हड्डी चूसने की तरह प्रसन्न होकर रहता है। इसलिए ये सारा सुंदर सात का काम तो नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं गाय बछड़े को या बछड़ी को जन्म देती है, लेकिन दोबारा जब गाभिन हो जाती है, अगला बछड़ा होने के बाद पहले बछड़े से कोई लेना देना नहीं होता है, पहले बछड़ी से कोई लेना देना नहीं होता है। कुत्ते भी ऐसा ही करते हैं, बिल्ली भी ऐसा ही करते हैं, सारे जानवर ऐसा ही करते हैं, लेकिन मनुष्य रूपी जानवर जितने बछड़े हो उतने ही बछड़ों से प्यार करता है ना। जितनी बछड़ियां हो जाए सभी बछड़ियों से प्यार होता है। मेरा ये जेठा बछड़ा, ये माइला बछड़ा, ये साइला बछड़ा, ये काइला बछड़ा, है ना, बड़े सारे बछड़े हो जाते हैं, सभी बच्चों बछड़ों से प्यार होता है। 10 बच्चे हो तो 10 को प्यार करता है। मनुष्य का प्यार कैसा अद्भुत प्यार है, और जानवर एक से प्यार करते हैं, अगला होने बाद उसके भी छोड़ देते हैं, है ना, उनका प्यार एक ही में बना रहता है। और गाय जानवर जो भी एक दिन दिन भर पेट भरने के बाद शांति से बैठ करके जुगाली लेते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, आज का खाना खाने के बाद फिर बैठ के अब कल क्या खाएं, अब सोचने लगते हैं, आज तो रोटी खा ली, रोटी से तो मन भर गया, कल क्या खाएं, कल क्या खाने में मजा आएगा, मेरे पास धान कितना है, कितना गेहूं रखा है मैंने, आटा खत्म तो नहीं हुआ, दाल खत्म तो नहीं हुआ, कभी देखा है बिल्ली को दाल खत्म हो गया बोल के ढूंढते हुए, खा खू के पेट भर के मजे से सो जाती है। सिंह को कभी देखा है, कल के लिए रखा हुआ देखा है, कोई जानवर नहीं रखता, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है आज के लिए भी रखता है, एक साल के लिए व्यवस्था करता है, एक साल के अलावा बुढ़ापे में काम आएगा बोल के बुढ़ापे के लिए भी व्यवस्था करता है। प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। ये सब कितनी व्यवस्था करोगे, आपने बुढ़ापे के लिए रख लिया 50 लाख 1 करोड़, लेकिन जवानी में ही अगर दुनिया से चले गए तो 1 करोड़ किस काम आएगा, दान कर देते तो कम से कम धर्म में तो जमा हो जाता। अब आपका बेटा आकर के उस पैसे की मौज करेगा, उड़ाएगा, अच्छा हुआ मेरे बाप ने पैसा रख दिया, अब मैं इस पैसे की मौज करूंगा, 50 लाख की एक ही बार गाड़ी खरीद के लाएगा और घुमाएगा लोगों के बीच में, देखो मेरे बाप ने जो पैसा रखा था उसकी मौज मुझे हो रही है। रखा तो आपने भविष्य के लिए था, लेकिन भविष्य का तो आजकल कोई पता है ही नहीं, और जो धन संग्रह किया तो बेटे ने उड़ाना प्रारंभ कर दिया, उड़ा उड़ा के खत्म कर दिया। हमारे भारत में 2 भाई हैं, आपने देखा ना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। जब मां ने धन का बंटवारा किया तो अनिल अंबानी को 75% धन दिया, ज्यादा दिया, छोटे बेटे से ज्यादा प्यार होने से ज्यादा दिया, और बड़े बेटे को कम दिया, बड़े बेटे को कम दिया, क्योंकि तू बड़ा है छोटा छोटा ही होता है बोल करके छोटे को ज्यादा धन दिया, बड़े को कम दिया। आज छोटे के पास 25% भी धन नहीं बचा, और बड़े वाले ने उसको लाखों % बढ़ा लिया। देखो धन तो सबको उतना ही मिलता है, बढ़ाना अपने हाथ में है, बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है। धनिये धन तो बहुत दिया पर लिया न हराम खोर। एक चौपाई है, चौपाई बोल रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं मैं, गाली नहीं समझना इसको, वाणी में लिखा है ना, मेरे जैसे हराम खोर ने धनी का दिया हुआ धन प्रयोग नहीं किया, बहुत धन दिया था लेकिन मेरे जैसे हराम खोर ने उसको प्रयोग में नहीं लाया। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज ने समझाया, देखो जयराम भाई आपने क्या किया, अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। पता है आप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से शिष्य हैं, मेरे आप गुरु भाई हैं,
करते करते भोजन का समय हो गया। श्री प्राणनाथ जी ने भोजन आरोगा, भोजन आरोगने के बाद पान का बीड़ा लिया। पान का बीड़ा लेने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी फिर प्रवचन करने के लिए बैठ गए। जितने लोग आए थे 10-20-50 उनके बीच बैठे तो जयराम भाई ने आकर के कहा, गुरु महाराज अंदर कमरा तैयार है, आप आराम करिए, घंटा दो घंटा विश्राम करिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैं विश्राम करने नहीं आया हूं, विश्राम तो रात्रि को ही हो जाती है, दिन में तो हम श्रम करने आए हैं। रात्रि को विश्राम, दिन में श्रम। दिन सोने के लिए नहीं है, रात्रि सोने के लिए है। रात्रि को सो जाओ, हमारे देश के इस समय के प्रधानमंत्री कितना घंटा सोते हैं पता है आपको? पता है पुजारी जी कितना घंटा सोते हैं? 15 घंटा, 3 घंटा सोते हैं हमारे प्रधानमंत्री, 3 घंटा सोते हैं। लेकिन उनको कभी सुस्ती करते देखा मेरी तरह ऊँगते हुए? है ना, मैं तो कथा में कभी झपके ले लेता हूं। तो कहने का मतलब, देखा कभी प्रधानमंत्री को कभी ऊँगते हुए देखा मीटिंग में बैठ करके? इतनी बड़ी बड़ी 3 घंटा सो करके नींद पूरी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को पत्रकार ने पूछा कि आप 3 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं? तो बोलते कि कभी कभी तो मैं 3 दिन सोता भी नहीं हूं तभी नींद पूरी हो जाती है, 3 दिन सोता ही नहीं हूं तब भी मैं नींद पूरी कर लेता हूं। मेरा एक एक क्षण देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, भारत की जनता के लिए है। मुझे सोने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना है, काम करने के लिए चुना है। 18 घंटे तो काम करते हैं, 18 घंटे, 8 घंटे काम करना चाहिए नियम से, लेकिन वो 8 × 16 + 2 घंटे और 18 घंटे काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री। फिर भी प्रधानमंत्री को लोग गाली देते नहीं चुकते, जितना मर्जी गाली देते हैं। तो मोदी जी को पूछा, इतनी गालियां आपको लोग देते हैं, इसका असर नहीं होता? बोलते, गाली सुनते सुनते मेरे शरीर में गाली का कवच बन गया है, मैं गाली प्रूफ हो गया हूं, गाली का मेरे को कोई असर नहीं होता है। अब देखो, अभी अभी बांग्लादेश की घटना आपने देखी ना, कैसे हिंदुओं को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। 2-3 हिंदुओं को तो उल्टा लटका करके मुंह में बांस से मार मार के तड़पा तड़पा के मार दिया। कैसे कैसे लोग हैं ये, इनको पाप करना, ऐसी हत्या करना क्या कुरान सिखाता है? इनका ग्रंथ ही ऐसा सिखाता है या कहां से लोग सीखते हैं ऐसी हत्या करना, ऐसी मार काट करना? क्योंकि जो एक परंपरा है हमारे भागवत में तो कभी ऐसा सीखा नहीं, हिंदू तो कभी ऐसा करते नहीं है, तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं ग्रंथ में भी ऐसी बातें हो सकती है जिसको व्यक्ति अनुकरण कर लेता है, हिंसा में सीख लेता है। तो वहां की प्रधानमंत्री भाग गई, भाग नहीं पड़ा उनको, भागने का मौका दिया तो लोगों ने क्या लिखा पता है? नेट वगैरह में लिखते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कब इस तरह से भागेगा, ऐसा लिख करके लोगों ने डालना शुरू कर दिया। न लोगों को सोचने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न किसी विषय पर चिंता करते हैं। आज भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गया है पता है? आज भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे, अब 2 साल बाद हम 3रे नंबर पे आएंगे। आज हमने कनाडा को पीछे छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया, यूरोप के सभी कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया है, सबसे हम आगे हैं। पता है आपको, इकोनॉमी को देखिए तो आज हमारा इकोनॉमी कहां आ गया है? इतना हमारी आज ऊपर इकोनॉमी हो गई है, किसी जमाने में हमारी इकोनॉमी हम 33-34 नंबर में थे, आज हम 5वें नंबर पे आ गए। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत करता है तो ही उसका फल हमें मिलता है। मुझे पार्टी से ज्यादा व्यक्ति से लगाव, पार्टी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति देश के लिए अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। देश की प्रगति तो हो रही है ना, देश के लिए लाभ तो मिल रहा है ना, देश की तरक्की तो हो रही है ना, तो ये बड़ी सारी बातें हैं, तो ऐसे ही सोचना चाहिए। तो ये महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं, देखो क्या संसार में हम इसीलिए आए,
लड़ने झगड़ने हिंसा करने इन्हीं सब काम के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, यहां रहते रहते श्री जी ने तेज कुंवर जी बाईजी महारानी को भी यहां पे बुला लिया ताकि सेवा में लगे, ताकि साथ में चल करके सुंदर साथ की सेवा कर सके। और विक्रम संवत 1722 को दीव बंदर में श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, सब त्याग करके धर्म के काम पे लगे हैं। ए बोझा धर्म का है सिर पे तुम्हारे, ए बोझा धर्म का है सिर पे तुम्हारे, ये बोझा धर्म का है सिर पे तुम्हारे, ये बोझा निभाएंगे इसको श्री राज प्यारे, निभाएंगे इसको श्री राज प्यारे, ये बोझा धर्म का है सिर पे तुम्हारे, ये बोझा निभाएंगे इसको श्री प्राण प्यारे, निभा इसको श्री प्राण प्यारे, ये बोझा धर्म का है। जो धर्म का भार कंधे में लेता है वो संसार में नाम भी कमाएगा तो बदनाम भी कमाएगा। लोग बदनामी भी कर देते हैं उसकी, इसने ये खाया होगा, इसने ये खाया होगा, पैसा उठा के खा गया होगा, हजम कर गया होगा, बड़ी बदनामी करते हैं। लेकिन बदनामी से नहीं डरना चाहिए, बंदा काम करने वाला व्यक्ति कभी बदनामी से ना डरे, अपना कार्य करे। अब यहां पे क्या हुआ, अरब के लोगों ने यहां पे छापा मार करके लोगों को पकड़ करके नजरबंद में रखने लग गए, नजरबंद में रखने लग गए, और भाईजी महारानी से लेकर के बड़े सारे लोग बंधन में आ गए। ये समाचार प्राणनाथ जी को मिला, प्राणनाथ जी बड़े दुखी हो गए। क्या है, लोगों को व्यक्ति को पकड़ करके बदले में पैसा लेना, ये कोई मतलब है? लेकिन उस समय भी ऐसा चलता था। और इतना ही नहीं, एक दिन की बात, एक दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटती है, एक दिन श्री प्राणनाथ जी के पास संदेशा आया कि एक वहां के स्थानीय लोगों ने एक चुगलखोर को तैयार करके प्राणनाथ जी की शिकायत करने के लिए भेजा। वहां का जो थानेदार था जो था, उसके पास शिकायत भेजा। अब जैसे वो शिकायत करने वाला शिकायत करने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, किसकी शिकायत करने जा रहे हो? मतलब एक कोई महात्मा आया है यहां पे, उसकी शिकायत करने जा रहा हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुमने देखा है महात्मा जी को? देखा तो नहीं है। प्रवचन सुना है? प्रवचन भी नहीं सुना है। न देखा न प्रवचन सुना, किसके कहने से शिकायत करने जा रहे हो? पता है, यहां का जो शासक है अत्यंत उग्र है, लड़ाका है, अगर महात्मा को पकड़ करके मार दिया, फांसी दे दिया तो पाप किसको लगेगा? तुम भी हिंदू हो और वो महात्मा भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह सबकी निंदा करता है। तो निंदा तूने सुनी कानों से? नहीं, सुनी तो नहीं है। उसने उसको सुनाई और हमने विश्वास कर ली। अरे मैं आपको अब निवेदन करूं, कान की बात तो बहुत दूर, आंखों से देखा हुआ भी कभी कभी झूठा हो जाता है, आंखों से देखा हुआ भी झूठा हो जाता है कई बार। तो कान से सुनी हुई बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर लेते हैं विश्वास, कहते हैं हाँ ऐसा होगा, ओए होए ऐसा हो गया। बताओ, लोग यहां तो इतना लोगों को आनंद आता है, हाय हाय तो यहां सबसे पहले बोलते हैं, बढ़िया भोजन मिले तब भी हाय, बड़ा स्वादिष्ट है, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया तो भी हाय, हाय तो मरने के बाद बोला जाता है, हाय मैं तो लूट गई,
हाय तो मरने के बाद या हाय बोलते हैं बड़ी खुशी के अवसर पर, है ना, हाय है ना, तो हाय नहीं बोलना चाहिए, हाय लग जाती है ना कई बार। अब श्री प्राणनाथ जी के पास सुंदर साथ ने आना कम कर दिया, डर गए, हो सकता हम भी पकड़ में आ जाएं, शिकायत हमारी चली गई है, कुछ सुंदर साथ आए ही नहीं। कुछ दिन बाद फिर आने लगे। जयराम भाई कंसारा ने कहा, आप लोग कहां छुप गए थे? अरे हम तो डर गए थे, ये संसार है ना, ये माया का संसार है, ऐसा होने से सबको डर लगता है। अब इसके बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से ढूंढते ढूंढते निकल गए, जो बंधन में आए हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो वहां से श्री प्राणनाथ जी पोरबंदर पाटन बंदरगाह होते हुए, गांव गांव होते हुए प्रागमल कुंवरबाई करके उनके यहां गए, कुछ दिन वहां रुके, फिर वहां से आगे बढ़े, वहां से आगे कपाई नाम करके गांव की ओर गए, और वहां से अपने बड़े भाई हरिवंश जी मिले, उनके यहाँ पे कुछ दिन रहे। हरिवंश जी को भी समझाया, आप मेरे बड़े भाई हैं लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, आप भी परमधाम की आत्मा है, आपको जागृत हो जाना चाहिए, आप सदगुरु के समय के सुंदर साथ हैं, आप जाग जाएं और नौतनपुरी जाकर के श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करें। और वहां से घूमते घामते भोजनगर पहुंच गए। देखिए भोजनगर जहां श्री देवचंद्र जी महाराज आए थे, वहां भोजनगर गए तो हरिदास जी के बेटे वृंदावन जी ने तारतम ले लिया था श्री देवचंद्र जी महाराज से। वृंदावन जी सुंदर साथ बन गए थे, हरिदास जी के बेटे वृंदावन जी और उनकी माँ सब सुंदर साथ में शामिल हो गए थे। वृंदावन जी ने उनका स्वागत किया। हरिदास महाराज तो चले गए थे दुनिया से, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। वृंदावन जी मिले और वहां कुछ समय तक श्री प्राणनाथ जी रहे और वहां रह करके खूब आनंद लेते हुए, कुछ समय वहां रहने के बाद दो चार दिन वहां रह करके श्री प्राणनाथ जी अब आगे चले। सिंध प्रांत होते हुए एक नाथा जोशी नाम करके ब्राह्मण, नाथा जोशी नाम करके ब्राह्मण के पास आए। अब देखिए वहां से आगे बढ़ते बढ़ते श्री प्राणनाथ जी जैसे नाथा जोशी नाम करके यहां पे आए, ढूंढते ढूंढते श्री प्राणनाथ जी कहां पहुंच गए? ठट्ठा नगर। बताना एक बार नाम क्या है? आहा कितना बढ़िया नाम है, ठट्ठा नगर, है ना, हमारे पास भी तो है डड्डू नगर, है ना, डड्डू नगर है ना हमारे पास भी, उधर ठट्ठा इधर डड्डू, कई सारी बातें मिलती जुलती है ना। तो हमारे यहाँ भी ऐसे अजीब अजीब से नाम है, डड्डू माजरा है, नेट वाले सब सुन रहे हैं, पता चलना चाहिए उनको भी कहाँ कहाँ मैं रहता हूँ। डड्डू माजरा है, हेलो माजरा है ना, हेलो माजरा बोल देंगे तो हो जाएगा ना काम, हेलो माजरा है हमारे यहाँ, बता के क्या क्या बड़े सारे नाम है इधर भी अजीब। पहले शुरू शुरू में तो मुझे भी अचंभा लगता था, पता नहीं कैसा नाम रखा है, डड्डू, हेलो माजरा, और मक्खन माजरा, मछली छिपकली, पता नहीं बड़े सारे नाम है हमारे यहाँ भी, अच्छे अच्छे नाम हैं। तो इन सारे नामों को सुन करके बड़ा आनंद आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कैसे कैसे लोगों ने नाम रखे हैं। अब ये मलोया क्या है, जहां पे हम लोग बैठे हैं इसका नाम किसने रखा मलोया, इसका कोई इतिहास अता पता है किसी को? किसी को पता ही नहीं है ना। तो मलोया नाम लेते लेते अब हमारे बिहार से जो काम करने आते हैं वो तो मलोया बोलना भूल जाते हैं, वो तो मलवा बोलते हैं, मलवा मलवा बोल देते हैं। मेरे को कहां से आए? वो मलवे से आए, इन्हें मलवे से आए बोल देते हैं। मलोया का नाम तो मलो अब मलवा हो गया है ना। कहने का मतलब लोग कहां कहां कैसी कैसी जगह रहते हैं, कैसे कैसे स्थान में रहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी भी कहां पहुंच गए, घूमते घामते श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर नाम करके जगह में पहुंचे। ठट्ठा नगर है ना, हमारे यहाँ ठट्ठा का मतलब होता है हंसी मजाक करना, हंसी ठट्ठा मत करो बोलते हैं ना, तो हंसी मजाक करने ठट्ठा नगर में पहुंच गए। तो नाथा जोशी के घर में श्री प्राणनाथ जी रह करके ज्ञान चर्चा होने लगी, बड़ा आनंद वहां आने लगा। ठट्ठा नगर में
ज्ञान का प्रचार हो रहा है। नाता जोशी ब्राह्मण है, बड़े ज्योतिष के माहिर है, ज्योतिष जानते हो, बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। प्राणनाथ जी वहीं पहुंच गए, वहीं जाकर के बड़ी अच्छी ज्ञान की चर्चा होने लगी। एक जिंदादास नाम करके व्यक्ति मिले और उन्होंने भी तारतम सुना, और भी बहुत लोगों ने यहाँ पे तारतम सुना। और एक दिन श्री प्राणनाथ जी को पता चला यहाँ ठट्ठा नगर में एक चिंतामणि जी नाम करके बड़े ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, कबीर संप्रदाय के बड़े गुरु हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया, चलो मैं जाता हूं, क्योंकि वो तो यहां आएंगे नहीं, मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वहां चले गए। वहां जाने के बाद उठ करके चिंतामणि जी ने श्री जी का स्वागत किया, उनको आसन में बैठाया और कहने लगे, हे महाराज जी आप कहां से पधारे। बोले मैं तो रमता जोगी हूं, भ्रमण करते करते पता चला कि आप बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, तो आपके पास आ गया, ज्ञान लेने के लिए आ गया। तो उस समय चिंतामणि जी ने कहा, कुछ आपके पास ज्ञान है तो मुझे दीजिए, अगर आपको कुछ सुनना जानना समझना है तो मेरे से सुन लीजिए, आपको भगवान विष्णु का दर्शन करा दूं, आपको ब्रह्मा जी का दर्शन करा दूं, आपको मैं अनहद नाद सुना दूं, ऐसा बोले। आपको क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा बोले। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी ने कहा, बोले चिंतामणि तहां कितते आए आप, कहो ठौर कुल आपन होई धर्म की थाप, चर्चा हमारी तुम सुनो ग्रहो तत्व निज ज्ञान, होई अधिक तुम पास जो कहिए हमें निदान। अगर मेरे से ज्यादा ज्ञानी है तो मुझे ज्ञान सुनाइए, अगर आप में ज्ञान नहीं है तो मेरे से ज्ञान सुन लीजिए, ज्योतिषर का दर्शन करा दें आपको, शेष नारायण भगवान का दर्शन करा दें आपको, अभी करा देते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी दर्शन नहीं करना है, तो झिलमिल झिलमिल ज्योति दिखा दें आपको, झिलमिल झिलमिल अनहद नाद ये सब दिखा दें, त्रिकुटी में जो झिलमिल नाद अनहद नाद सुना जाता वो सुना दें। मैंने आपको अभी तक मैं पहले बता चुका हूं कितने प्रकार की ध्वनि होती है, कितने प्रकार की आकाश की गर्जना है ना, बंसी की ध्वनि, ढोल की थाप, तबले हाथ की ताली का थाप, ये सब में अनहद नाद में सुना जाता है, ये सारी बातें मैं सुना चुका हूं। इस तरह से ज्ञान की बातें होते होते बीच में चिंतामणि जी ने एक दोहा बोला, क्या बोला, साखी कही कमाल की चिंतामणि तेही ठौर, जो समाही श्री जो करी बहु चर्चा तहां और, कौड़े ते हीरा भयो हीराते भयो लाल, आदो भक्त कवि रहे पूरो भक्त कमाल। वैसे तो कबीर जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन कमाल के आगे कबीर जी बहुत कमजोर थे। कबीर जी तो आधा भक्त हैं, कमाल पूरे भक्त हैं। श्री जू बोले आप तुम जानो कहां कबीर, या को आदो भक्त जो कहत चित्त नहीं धीर। हे चिंतामणि जी महाराज, कहां कमाल कहां कबीर की ऊंचाई, कबीर तो अखंड की बातें करते थे और आपने यहां तो कमाल को बड़ा बना दिया। कबीर के चेले थे कमाल, या कोई बोलते हैं पुत्र थे, जो भी थे, आपने कमाल को ऊंचा बना दिया, कबीर को छोटा बना दिया। कबीर जी की ऊंचाई बहुत है, कबीर जी बहुत ज्ञानी हैं, आपने उनके ज्ञान को कहां समझा है। ऐसा बोल करके श्री प्राणनाथ जी उसी समय एक कबीर जी का कीर्तन बोलने लगे। क्या बोला कबीर जी का कीर्तन, एक पलकते गंग जो निकसी हो गई चौदिश पानी, वह पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी बोले अमृत वाणी, उस मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी, ते ही गर्भ गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बूझे सो सतगुरु मैं चेला। बोलो सतगुरु महाराज की। इसका मतलब है अक्षर ब्रह्म के एक पलक झपकने मात्र से
ये माया रूपी गंगा प्रकट हो गई, ये माया की रचना हो गई। अक्षर में जब पलक झपकते हैं ना, वैसे तो अक्षर में पलक झपकते ही नहीं है, लेकिन अगर झपकते हैं ये सारा ब्रह्मांड मिट जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो आप अंदाजा लगा लो अक्षर ब्रह्म कितने देर में पलक झपकते होंगे, कितने देर में पलक झपकते होंगे। स्वर्ग में जो देवता लोग हैं वो पलकों को ऐसे बंद नहीं करते हैं, उनकी पलकें खुली रहती है। हमारे हिसाब से वो लोग झपकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उनका खुला रहता है। ये पलक झपकने से समय की गणना प्रारंभ होती है ना, पलक जब झपकते हैं यहां से समय की गणना प्रारंभ होती है। और हम भी आप भी कभी कोशिश करिए 10 मिनट पलक झपके बगैर बैठे रहिए। अगर ऐसा कोशिश करके देख लीजिए, कभी आपको करने का मन है तो मेरे पास आना कमरे में प्रातः काल ध्यान के समय, मैं 15 मिनट बिना पलक झपके ऐसे बैठ सकता हूं। आप डर जाओगे मेरे को देख के, पता नहीं क्या हो गया है ना। 15 मिनट ऐसे पलक झपकता नहीं, मैं बैठा ही रहता हूं। एक चीज को देखो तो 15 मिनट पलक झपकना ही, देखते रहना, ऐसा करके देखो कई बार, कोशिश करो, कोशिश करना, हिम्मत करके देखना आप कितने देर तक पलक खुली रख सकते हैं। पलक खुली रख करके भगवान के दिव्य मूर्ति को देखो, विग्रह को देखो, गुरु महाराज के स्वरूप को देखो, परमात्मा के स्वरूप को देखो। पलकें नहीं झपकना है, आंखों में आंख जैसे टनटनाटन हो जाएगी आंख ऐसे, और उससे आंखों से आंसू भर करके आंसू गिरने लगेगा, लेकिन फिर भी पलक नहीं झपकना है। होता है सारी बातें, लेकिन इसको बोलते हैं त्राटक विधि। ध्यान में इसको बोलते हैं त्राटक विधि। त्राटक विधि से भी ध्यान कर सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए अपलक परमात्मा को निहारना है, अपलक। जैसे ब्रज की सुंदरियां श्री कृष्ण को देखती थी तो पलकें झपकती ही नहीं थी, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण को देखें तब तक श्री कृष्ण में कई प्रकार की सुंदरता भ्रमण कर जाती थी, घूम जाती थी। श्री कृष्ण की छवि कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी। हजारों हजारों कामदेव जिनके सामने फेल हो जाएं, उनको हम श्री कृष्ण कहते हैं। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, इतना सुंदर श्री कृष्ण का श्री विग्रह था, जिसने एक बार देखा तो बस देख लिया और कहीं वो देखता ही नहीं। इसलिए सूरदास जी को कहा श्री कृष्ण ने, कहते हैं सूरदास जी को श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको आंखें देना चाहता हूं, आंखें, आंखों से मेरे को देखो, आंखों से मेरे को देखो। दो सूरदास हुए हैं, एक तो सामान्य सूरदास जो जन्म से ही अंधे थे, एक है बिल्व मंगल सूरदास जिन्होंने बेल की कांटों से अपनी आंखों को फोड़ा था। तो बिल्व मंगल सूरदास जी ने जब श्री कृष्ण को देखा, देखने के बाद अपनी आंखों को कहा, हे प्रभु अब ये आंखें मुझे दोबारा नहीं चाहिए, आप जितनी सुंदर दुनिया में और कुछ है ही नहीं, तो आपको देखने के बाद मैं और कुछ भी देखना नहीं चाहता हूं। गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, गोपाल प्यारो नंद लाला, प्याला गोपाला रे प्यारो नंद लाला, गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय गोपाला जय, ओ जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद, ओ जय नंद लाला जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है, श्री राधे श्री राधे गोविंदा
मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है श्री राधे। हे हाँ गोपाला गोपाला रे प्यारो नंदलाला प्यारो नंद लाला मदन गोपाला प्यारो गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद लाला मखी तरवर चढ़ बैठी बोले अमृत बाणी उस मखी के मखा नाही बिन पानी गर्भानी ते ही गर्भ गुण तीन जाए वह तो पुरुष अकेला कह कबीर या पद को जो बूझे सो सत गुरु मैं चेला। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र से ऐसी गंगा यानी माया प्रकट हो जाती है उस माया के चारों ओर मोह तत्व का विस्तार हो जाता है और उस जल ने सत असत रूपी दो पर्वत को ढक दिया है। वहीं से एक माया रूपी मक्खी उड़ करके तरुवर में जाकर के बैठ गई असत रूपी वृक्ष में जाकर के बैठ गई और उस असत रूपी वृक्ष में बैठने वाली उस मक्खी ने बिना मक्खा से संपर्क किए हुए तीन गुण गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने पर उसने तिलस्मी जादुई ढंग से तीन गुण को जन्म दिया सतगुण रजगुण और तमगुण को जन्म दिया और तीन गुणों के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और सतगुण रजगुण तमगुण के द्वारा ये सारे जगत की सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। ये सारी बातें बताई। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है निरंजनता की डार त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भयो संसार। अक्षर ब्रह्म की सृष्टि ये मूल एक वृक्ष है और निरंजन जिसकी शाखाएं बनी हुई हैं तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुण रजगुण तमगुण इसकी शाखा हो गए जिससे सारा जगत भर गया सारा संसार भर गया। इस समय आप सतगुण में बैठे हैं आप यहां बैठे हैं आप सतगुणी स्वरूप हैं। अगर कथा 5:30 तक करेंगे तो आप रजगुणी बन जाएंगे कथा 6 बजे तक हो जाएगी तो आप में तमगुण आ जाएगा। क्यों चलो 5:45 तक का तो समय था सतगुण बन करके बैठे रहेंगे 5:30 कर दिया तो अरे क्यों लेट कर दिया रजगुण आना शुरू हो जाएगा। 6 बज गया इतना लेट कर दिया मैं तो उठ के चली ही जाऊंगी तमगुण आ गया। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है आप में ही सतगुण है आप में ही रजगुण है आप में ही तमगुण है या नहीं ये बताओ मेरे को। अगर समय ज्यादा हुआ तो रजगुण आना शुरू हो जाएगा उठूं 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 उठ जाऊं धीरे से खिसक जाऊं जब गुरुजी कीर्तन करेंगे तब भाग जाऊंगी ये रजगुण आना शुरू हो जाएगा है ना। तो जब तमगुण आ जाएगा तो भाग ही जाएंगे सीधा है ना। ये आप में ही सतगुण है आप में ही रजगुण है आप में ही तमगुण है। और थोड़ी देर में फिर या बाहर कोई ढोल नगाड़ा लेकर के नाचते भी आए तो ऐसे खड़े होकर के देखना शुरू करेंगे इधर का लेट भूल जाएंगे क्योंकि मन बड़ा चंचल है मन को चाहिए नाच गाना उछल कूद। मन को आनंद नहीं चाहिए मन को तो मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन में व्यक्ति उलझ जाता है आनंद में व्यक्ति पार हो जाता है। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है मनोरंजन जीव आत्मा का स्वरूप है माया का स्वरूप है इसलिए इन सारी बातों को चिंतन करना होगा। अब देखिए प्राणनाथ जी चुपचाप उठ के चले गए और वहां जा करके जहां प्राणनाथ जी गए थे पहले बैठे थे नाता जोशी घर में जाकर सत्संग में वैसे के वैसे बैठ गए। अब चिंतामणि जी को लगन लग गई। चिंतामणि जी ने कहा
गुरु जी से तो मिलना पड़ेगा, बड़ी ऊपर की बात कह के चले गए गुरु जी, तो अब इसका भेद तो वही खोलेंगे, वही मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा करके चिंतामण जी अपने आसन से उठे, ढूंढने लगे। शाम अंधेरा अंधेरा होने वाला था, ढूंढने के लिए निकले। कहाँ होंगे वो महाराज जी, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? रास्ते में कल्लू मिश्र नाम करके एक पौराणी एक ब्राह्मण जी मिले, पुरानी ब्राह्मण थे, पौराणिक ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, अरे चिंतामणि जी, ये चार चेले लेकर के कहाँ घूम रहे हैं? अरे किसी को नहीं बताना, इज्जत का सवाल है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा जगी है। एक महात्मा जी आए थे मेरे पास और वो कबीर जी का दोहा बोल के चले गए, तो इतना बढ़िया दोहा, उसका अर्थ मेरे से कभी नहीं खुलता है। और मेरे गुरु ने बनारस में रहते हुए मुझे कहा था, इसका अर्थ तो मुझे भी नहीं खुल रहा है। एक पलकते गंग जो निकसी, हो गई चौदिस पानी, वह पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। इसका रहस्य मेरे से भी नहीं खुल रहा है। अगर इसका रहस्य कोई आकर खोल दे तो तुम मेरे को छोड़कर के उनको गुरु बना लेना, ऐसा बोला था मेरे गुरु जी ने। अब वो तो आ गए महात्मा जी, अब मुझे को सारा रहस्य समझना है। तो कल्लू मिश्र ने कहा, अरे वो कहीं नहीं, या नाथा जोशी के घर में ऊपर वाले मंजिल में बैठ करके सत्संग चर्चा प्रवचन कर रहे हैं, अटारी में बैठे सत्संग प्रवचन का आनंद हो रहा है। तो चुपके 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 चले गए कल्लू मिश्र जी, किसी को नहीं बताना हा, मैं उनसे मिलने गया था ना, तो मेरे चेले बोलेंगे आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है और आप वहां कहां चले गए दूसरे गुरु के पास। तो वहां किसी को नहीं बताना, चुपचाप से वहां चले गए। उनके हजारों शिष्य थे, चिंतामणि जी के हजारों शिष्य वहां थे डड्डू माजरा में, कहां पे, ठट्ठा नगर में, है ना। हजारों शिष्य लेकर के ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी बैठे हुए थे, इतने शिष्यों के बीच बैठे थे। चुपचाप गए, जाकर के पीछे बैठ गए जहां पे कोई ना देखे, लेकिन प्राणनाथ जी की दृष्टि ने देख लिया। प्रहन्ना जी ने कहा, अच्छा बहुत अच्छा हुआ चिंतामणि जी भी आ गए, बोल जा बीच में। अब उनको बड़ी दुख चुक हुई, सब जानते हैं मेरे को, यहां जो बैठे हैं सब जानते हैं। तो सब मुड़ के देखने लग गए, चिंतामणि जी हम भी आ गए, आ गए, मैं भी कथा सुनने के लिए मैं भी आ गए। सब मुड़ मुड़ के देखे, अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो चिंतामणि जी ने कहा, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, ज्यादा मुड़ मुड़ के मेरे को मत देखो, ज्यादा मेरे को मुड़ मुड़ के मत देखो, मैं तो कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं आया हूं, यहां गुरु जी का प्रवचन सुनने के लिए आया हूं, बस प्रवचन सुन के मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सभी लोग। तो चिंतामणि जी बड़े परेशान हो गए। अब चर्चा सुनी, कल भी गए कथा सुनने, कल भी गए। तो धीरे से चिंतामणि जी ने लोगों के आने से पहले पहुंच गए, जाकर के कान में जाकर कहा, गुरु महाराज आपकी चर्चा मेरे को बड़ी मीठी लगती है, बड़ा आनंद आता है आपका सत्संग सुनने में, लेकिन बीच में परसों की तरह कल की तरह चिंतामणि जी भी आ गए, नहीं बोलना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब मेरे को मुड़ मुड़ के देखेंगे तो मेरे को शर्म आती है। प्राण जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी इज्जत जरूर रखेंगे, ऐसी क्या बात है, आपका नाम मैं लूंगा ही नहीं। ऐसा कह करके रात्रि के समय प्राणनाथ जी ने दो तीन प्रकरण बनाए। सुनो रे सतके बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजे रची माया की, पामे सब कोई रया उर जाई। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खोली कि न होने जाई। हे परमात्मा, ये आश्रम बनाने वाला काम नहीं देना किसी को भी। प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा है, मंदिर मालिया अनेक निपाओ, पण भरबो एक तेहज दो भरी, अनेक उपाय करो कई बीजा, ये सर्वे साधन यमपुरी। ये मंदिर बना के बैठना, महल बना के बैठना और अपने आप को गुरु कहलाना, पात्रता है या नहीं है अपने आप को गुरु कहला करके, अपने आप को सम्मान दिलाना, लोगों से मत्था टिकवाना, ये नरक जाने का साधन है। वाणी में चौपाई में लिखा है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है माताओं बहनों भाइयों बंधुओं मित्रों, बहुत डर लगता है।
कहीं पाप ना लग जाए, आपका दिया हुआ जो टोकरी का पैसा है ना, कहीं मेरे में खर्चा ना हो जाए, बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं चुपचाप उठा के 80 गुलक में पा देते हैं। डर लगता है ना, क्योंकि डर लगता है धर्म का पैसा है, पता नहीं क्या सोच के लोगों ने दिया है, पता नहीं क्या दिल में आया, मेरा सारा संकट हरना गुरु महाराज बोल के दिया है, अब वो संकट नहीं हर पाएंगे तो सत्यानाश हो गया ना, इसलिए डरते डरते ये सारा सोचना पड़ता है। इसलिए धर्म का जो धन है वो धर्म के काम में ही लगाना चाहिए, न कि अपनी खुशी के लिए खर्चा करना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए ना करें, ये समाज का धन समाज में लगाना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज मंगलदास जी ने कहा, समाज का दिया हुआ धन समाज में नहीं लगाओगे तो अगले जन्म में जरूर कुत्ता बन करके भटकना पड़ेगा, जगह जगह डंडे खाने पड़ेंगे, मार खाना पड़ेगा, और कुत्ते के शरीर में कीड़े लगते हैं ना, वैसे ही भटकना पड़ेगा, तो बहुत डर लगता है माताओं बहनों। इसलिए कभी आप लोगों से मैं बोलता हूं ना, मंदिर की सेवा के लिए देना, तो मैं मंदिर की सेवा में ही लगाता हूं, बहुत डरपोक हूं इस मामले में मैं स्वयं, क्योंकि वो कहीं इधर उधर मेरे में खर्चा ना हो जाए गलती से, जो आया वो मंदिर की सेवा में ही लगाया दिया, मंदिर की सेवा में लगा दिया जाए तो ताकि मंदिर का काम अच्छा हो, बढ़िया हो। तो चिंतामणि जी ने जब कही मेरा लाज रखना, मेरा शर्म रखना, तो श्री प्राणनाथ जी ने दूसरे दिन जब चिंतामणि जी गए तो वहां पे जाकर के चर्चा होने लगी, तो पहले तो चिंतामणि जी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, इज्जत रखना। तो प्राणनाथ जी ने कहा खूब इज्जत रखेंगे आपकी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दूसरे दिन चर्चा सुनने के लिए गए चिंतामणि जी अपनी जमात के साथ, है ना, 150 लोग साथ में लेके बैठे बढ़िया से। तो उस समय फिर प्राणनाथ जी ने प्रवचन करते करते बोलना शुरू किया, सत्य के व्यापारी हैं लेकिन असत को अपना मानने लग गए, सत्य के व्यापारी है ना लेकिन असत को मानने लग, असत से अपनापन हो गया, सत से पिंड छूट गया, सत से संबंध ही तोड़ दिया हमने, और ज्ञान का अहंकार होता है लोगों को, अपनी महत्ता का अहंकार होता है, अपने आप में अगाध ज्ञान होने का लोग महसूस करते हैं, मेरे में अगाध ज्ञान है ऐसा लोग सोचते हैं, नहीं कभी ऐसी गलती नहीं करना, मेरे में ज्ञान है, हम जीवन भर अज्ञानी हैं, मैं अपने आप को सदा अज्ञानी मानता हूं, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से जो हम सुना पाते हैं वो गुरु की कृपा है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु कृपा से गुरु ने जो टेप भर करके अंदर डाल दिया वो रिकॉर्ड है, वो बोलता रहता है, हम कहां बोलने वाले, हमारे में कहां बोलने की क्षमता है, हमारी जुबान तो लड़खड़ा जाती है, गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने जो रिकॉर्ड बना के अंदर डाला है वही हमसे बोला जा रहा है, उसके अलावा हमारा अपना कुछ नहीं है, सारे शब्द गुरु महाराज के हैं, सारे शब्द गुरु कृपा के हैं, मेरे कोई भी शब्द नहीं है। हाँ अगर कहीं गड़बड़ बोल दिया है, त्रुटियां हो गई हैं, कहीं फालतू बातें बोल दिया है, वो सारे शब्द मेरे हैं, वो गलतियां सारी मेरी है, अच्छी बातें सब गुरु महाराज का है, उन्हीं की कृपा से। जब खूब समझाया प्राणनाथ जी ने, कोट सेवक करो नाम निकालो, हजारों चेले बना के घूमते हैं, अपने को सदगुरु बना करके अपनी खुद की पूजा करवाते हैं, खूब डांट फटकार करके चर्चा सुनाई। तो ऐसा सुनाने पर चिंतामणि जी बीच में उठ करके गुरु महाराज के पास आकर खड़े हो गए, खड़े होकर के कहना शुरू किया, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, हे गुरु महाराज वो अहंकारी मैं ही हूं, मेरे में ज्ञान का अहंकार था, मेरे में शिष्य बहुत होने का अहंकार था, मेरे अंदर जो अहंकार रूपी काला कुत्ता बैठा था, आप उसको डंडे से, ज्ञान रूपी डंडे से मार करके भगा दीजिए, इसको भगा दीजिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा शाबाश चिंतामणि, अब आप ब्रह्म सृष्टि के जमात में शामिल हो गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, ब्रह्म सृष्टि के जमात में शामिल होने के लिए अहंकार शून्य होगा, होना होगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये अहंकार रहेगा तो जीव सृष्टि भी नहीं होगा, वो तो ब्रह्म सृष्टि कभी भी कार्य करने का अहंकार करते ही नहीं है, ये प्राणनाथ जी की चौपाई कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये
अब सब प्रसन्न हो गए तो चिंतामण जी ने कहा, गुरु महाराज मुझे भी अपने शिष्यों में चरण का रज बना लीजिए, मुझे भी दास बना लीजिए, मुझे भी अपना सेवक बना लीजिए। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी के साथ में उनके हजारों शिष्यों को भी तारतम मंत्र सुना दिया। आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, पायनिज राम, श्री प्राणनाथ जी ने साथ जगाया, श्री प्राण पूरण किए सबका, पायो निज राम, गातम जागी जागी, पायो निज राम। अब चिंतामणि जी को तारतम सुनाया, चिंतामणि जी के सभी शिष्यों ने भी तारतम ले लिया, हजारों प्राणनाथ जी के साथ जुड़ गए। और प्राणनाथ जी ने सबको कहा, कुछ नियम आप लोगों का पालन करना होगा, चार चीजें, चार चीजों में शराब का सेवन नहीं करना होगा। निज नाम तारतम दीक्षा लेने के बाद आपके गले में जब तुलसी की माला आ गई तो शराब का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का आहार नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई भी नारी अगर नजर आती है, देवियां, उनको माता का रूप, बेटी का रूप या बहन का रूप इस रूप में नजर आना चाहिए। किसी माता बहन बेटी को दे करके गलत भावना नहीं आनी चाहिए। चौथे नंबर पे निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। सबसे खतरनाक जो यापन या अक्सर करते हैं ना, है ना, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये किस किस में क्या क्या है? अगर शराब नहीं पिया आपने, मान लो शराब पीते हैं तो शराब पीने से जो असर होता है शरीर में, मांस खाने से जो असर शरीर में होता है, या किसी पराई नारी पर कुदृष्टि डालने से जो असर शरीर में होता है, वैसा ही असर, उससे ज्यादा असर किसी की निंदा करने पर होता है। खबरदार, निंदा से बच के रहना, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात आप लोगों को, सारा काम करो लेकिन निंदा किसी की नहीं करना। और संतों की निंदा करने करना है तो नरक में तेल की कड़ाई में पकने के लिए तैयार भी हो जा। हाँ, संतों की तो बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए, सब संत अपनी जगह है, हम किसकी निंदा क्यों करें किसी की निंदा करके। हाँ, कोई पाखंडी है, पाखंडी हैं, भेष बना करके चलने वाले, वो बात अलग है, लेकिन बिन जाने बिना पहचाने संतों की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। ये जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करवाया। अब चिंतामणि जी को तारतम की दीक्षा दे करके सुंदर साथ में शामिल किया, और साथ साथ में एक चतुर्दास नाम करके एक ब्राह्मण आया करते थे गुरु महाराज के पास लोटे में दूध लेकर के। प्राणनाथ जी गर्म दूध बढ़िया से ग्रहण कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। तो एक दिन चतुर्दास जी ने, वो चतुर्दास जी कौन थे, लक्ष्मण सेठ के चेले, लक्ष्मण सेठ के चेले। तो एक दिन चतुर्दास जी, वो जो प्राणनाथ जी की चर्चा सुन के जाए ठट्ठा नगर में, रोज चर्चा सुने जाए, चर्चा सुने जाए। तो एक दिन लालदास जी की चर्चा में बैठ करके चतुर्दास जी ने पूछा, हे लक्ष्मण सेठ जी, आप भी बड़े भागवत के ज्ञानी हैं, आप उर्दू अरबी फारसी भी जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अखंड वृंदावन कहाँ है, अखंड वृंदावन कहाँ है? उन्होंने कहा, अखंड वृंदावन तो यही है जो है। बोले, ये अखंड वृंदावन तो ये जब वृंदावन जब खत्म होगा तो ये कहां जाकर के अखंड होगा? अरे, ये बात तो मैंने भी नहीं सोचा।
कभी ना कभी तो ये वृंदावन भी कहीं जाकर अखंड तो होगा, तो कहां है मैंने नहीं सोचा, तो तेरे को ये बात कहां से मिली? नहीं बताता मैं। अरे बता दे, मेरे को भी पता चल, नहीं बताता, नहीं ना जिद करने लग गए, नहीं बताता नहीं बताता। अरे बता दे चतुर्दास, मेरे को भी पता चले कि यहाँ पे एक बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं, उनकी चर्चा सुनने जाता हूं, प्रवचन सुनने, ये सारी बातें वो मेरे को सुनाते हैं, मेरे को भी ले चलो वहां, मैं भी एक बार वहां जाना चाहता हूं। तो लक्ष्मण सेठ ने जब कहा तो जा करके चतुर्दास जी ने गुरु महाराज को पूछा, एक यहाँ पे लक्ष्मण सेठ हैं, बड़े अरबपति खरबपति हैं, वो भी आपकी चर्चा सुनना चाहते हैं, क्या उनको लाऊं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ले आओ, कोई बात नहीं। तो लक्ष्मण सेठ को ले जा करके श्री प्राणनाथ जी ने चतुर्दास जी के पास मिलन करवा दिया। मिलन करने के बाद अब आज चर्चा सुनी, कल चर्चा सुनी, तो लक्ष्मण सेठ की आत्म जागृति हो गई। लक्ष्मण सेठ की जब आत्म जागृति हो गई, बड़े अधिक आनंद उर करत दरस उही ठाम, मन की कुलपत सब मिटी, रहो नहीं भ्रम नाम। सारा भ्रम मिट गया प्राणनाथ जी के दर्शन करते ही, और उन्होंने कहा हे गुरु महाराज, मैं भी आपका ही शिष्य बनना चाहता हूं, मैं भी आपसे ही जुड़ना चाहता हूं। ऐसा कहा तो श्री प्राणनाथ जी ने लक्ष्मण सेठ को भी तारतम दे करके उनका नाम लालदास जी रख दिया। बोलो लालदास जी महाराज की। अब लालदास जी महाराज को ज्ञान तो था ही, अब लालदास जी महाराज जब ज्ञान की बातें सुनाने लगे तो गुसाई परंपरा के कुछ लोग वहां आकर के निंदा करने लगे। क्या निंदा करते हैं? अरे ये प्रणामी लोग तो क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? मंदिर का पर्दा बंद करते हैं पुजारी जी, और पर्दा बंद करके एक चूहे को पकड़ के अंदर रखा है, उस चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और अंदर प्रसाद रख देते हैं पुजारी जी महाराज, और पर्दा बन करके जब चूहा इधर उधर इधर उधर भागता है तो बाहर बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि देखो अंदर कृष्ण जी नाच रहे हैं। देखो निंदा कर रहे हैं लोग, क्या क्या निंदा करते हैं, देखो ना अंदर कृष्ण जी नाच रहे हैं, कृष्ण जी भोग लगा रहे हैं बोलते हैं, पैर में चूहे के पैर में घुंघरू बांध करके चूहा तो बेचैन होगा और कृष्ण जी अंदर आ गए, ऐसा बोल करके लोगों को पागल बनाते हैं बोल करके लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया। लाल लस्सी महाराज के प्रवचन में जाकर गए ना, लाल लस्सी महाराज के प्रवचन में। अब लाल लस्सी महाराज जी की जागनी भी, निंदा करने वालों का तो काम है निंदा करना। अब इधर श्री प्राणनाथ जी ठट्टा नगर से होते हुए अब्बासी बंदर की ओर प्रस्थान करने लगे। मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, इधर जाने की तैयारी करने लगे। आज मैंने सोचा था आज आपको मैं सूरत तक पहुंचा देता हूं, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं नहीं आज नहीं, सूरत का प्रसंग कल सुनाना है, कल करना है सूरत का प्रसंग। तो कल रविवार के दिन सूरत का प्रसंग धूमधाम से आप सभी के बीच रखेंगे, और महामंगलपुरी धाम की स्थापना का प्रसंग भी कल ही आप सभी के बीच रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी भी तक चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। चौपाई दोहराएं, दो चार जयकारे लगाएं, अर्जी बोलेंगे, प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी कहां जा रहे हैं? मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर की ओर प्राणनाथ जी प्रस्थान कर गए। बीतत सुनी छत्ता नृपति, उमग्यो हृदय हुलास, ब्रज भूषण तालेश को, लव एक करत खुलास, लव एक करत खुलास, श्री कृष्ण कन्हैया श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल की, ब्रजभूषण
समझे वाले साहेब आपके सलाही जय प्रणाम। पिया तुम भोते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सकूं तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरत दिन रन जात रोए रोए जी, जन्म आंधी जो हम होते सो तुम देखते कि जी, जब तुम आप दिखाओगे तब दिखोगी नैना भर जी, के पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, इति अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंत राय जी, सोवाणी अंत राय टाल के दुलाली जी कांटल जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास भी लास जी, वारने जाए सिरी इंद्रावती पियारा को कदमों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगोशा चात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी, पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी,
पिया तुम हो तेसी, पिया तुम हो तेसी। प्राणनाथ प्यारे की जय।